हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक टिप्स डीएमएस में। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्ज़र कंपनी का जवारिस जरूनी सादा के बारे में। जवारिस जरूनी सादा क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको कैसे यूज करना है और इसको कहाँ से परचेज करना है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जवारिस जरूनी सादा के जो बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, इसके बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो जवारिस जरूनी सादा एक यूनानी मेडिसिन होती है। ये गुर्दे की शिथिलता और पाचन तंत्र की कमजोरी दूर करती है। इसके साथ साथ में खट्टी डकार एवं ज्यादा पेशाब आने जैसी समस्या को दूर करती है। जवारिस जरूनी सादा का काम होता है हाइड्रोस्पर्मिया के इलाज में भी इसका लाभकारी होती है। जवारिस जरूनी सादा गुर्दे को स्वस्थ रखती है। जवारिस जरूनी सादा गुर्दे के शरीर से सोडियम, यूरिया और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। जवारिस जरूनी सादा का काम होता है गैस एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाती है। वो नौजवान जिनको गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, पेट फूला फूला सा रहता है, पेट में हमेशा कब्ज सी बनी रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जवारिस जरूनी सादा को आप इस्तेमाल करते हैं तो जो गैस जैसी समस्या को भी दूर करती है। जवारिस जरूनी सादा भूख बढ़ाती है और पेट के अफारों को दूर करती है। जवारिस जरूनी सादा का काम होता है आंतों की गतिशीलता को बढ़ाती है। जवारिस जरूनी सादा का काम होता है पेट की गैस, पेट दर्द, ऐंठन को दूर करती है। जवारिस जरूनी सादा पाचन शक्ति को मजबूत करती है। वो नौजवान जिनका पाचन शक्ति बहुत ज्यादा वीक होती है, कंडीशन में क्या होता है कि अगर जवारिस जरूनी सादा को इस्तेमाल करते हैं तो ये पाचन शक्ति को स्ट्रांग करती है। जवारिस जरूनी सादा का काम होता है जो सीने में जलन होती है, उल्टी जैसी समस्या, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप जवारिस जरूनी सादा को इस्तेमाल करते हैं तो इन सारी समस्याओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, ये जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आप जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसके डोजेस क्या होती है, डोजेस की अगर बात की जाए तो इसमें 5 से 10 ग्राम दिन में 2 बार सुबह शाम पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप किसी चिकित्सक से संपर्क करें। डिस्प्ले पे मैंने एक नंबर दे रखा है, उस नंबर से जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं और किस तरह से इसको परचेस करना है वो जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।